हेलो एवरीवन, एवरीथिंग विद गौरी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके सामने लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट आलू कचौड़ी रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले मैं एक डो प्रिपेयर करूँगी, जिसके लिए मैं देखिए क्या डालती हूँ उसमें। ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मिर्चा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और नमक स्वादानुसार। अब आप लोग ये कहेंगे ना, अरे डो कौन नहीं तैयार कर लेगा, लेकिन इसमें एक टिप बताऊंगी मैं आपको, जिससे बिगनर्स भी अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें 1/2 चम्मच जाएगा मोइन। और उसके बाद ये टिप है कि ये जो मैं डो तैयार करूंगी, ये मैं गुनगुने पानी से तैयार करूंगी। चलिए तो मैं डो तैयार करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए आटा का डो हमारा हो गया, इसको हमने लगभग 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिए हैं कुछ पोटैटो बॉयल, जिनको मैं मैसर की मदद से बिल्कुल हल्का एकदम मैश कर लूँगी। ये मैं 4-5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं भी 5 पोटैटो लगभग मैश करूँगी मीडियम साइज के। आधा चम्मच चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच धनिया और नमक स्वादानुसार। आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद ये बारीक कटा हुआ धनिया और इसको मैश कर लेते हैं। चलिए मिलती हूँ फिर कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैंने नींबू के बराबर बॉल्स बना लिए हैं और इस तरीके से मैं इसको गोल गोल करके इसमें नींबू के बराबर ही आलू की स्टफिंग रखूंगी और फिर इसको बिल्कुल कहीं से भी खुली ना रहे इस टाइप से मैं इसको कवर्ड करूंगी। अब आप कहेंगे भाई इसमें नया क्या है, ऐसे तो कचौड़ी सभी बना लेते हैं। एक तो ये बिगनर्स के लिए वीडियो है बिना तामझाम के, और दूसरी बात मैं आपको 2 तरीके से कचौड़ियाँ बनाना बताऊंगी। देखिए पहले स्टेप के लिए मैं इसमें हल्का सा डस्ट कर रही हूँ आटे को, और ऐसे हाथ से पुश करते हुए हल्का सा किनारों पे इसके बेलन मार के मैं इसको तैयार करूँगी, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है कि बहुत से बिगनर्स ऐसे होते हैं या जो भी हॉस्टल में लोग रहते हैं उनके पास चकला बेलन नहीं होता है, तो उनके लिए ऐसे हल्का सा डस्ट किया मैंने, आप चाहें तो हाथों को ग्रीस भी कर सकते हैं। और ऐसे कर करके ये हाथ से ही मैं बना दूँगी पूरी कचौड़ी। तो ये 2 टिप्स के साथ, उसके बाद गैस पे हमने लो टू हाई मीडियम पर फ्लेम पर ऑयल रखा है, और अब मैं उसमें ये कचौड़ी धीमी ही आँच में, मतलब मीडियम आँच पे बनाऊंगी, जिससे कि ये अंदर से कच्ची ना रहे और सुनहरी सुनहरी ये बनकर तैयार हो। चलिए मैं सिकने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फूली फूली कचौड़ी अचार के साथ, मेरे बच्चे अचार के ही साथ पसंद करते हैं, आपके बच्चे या आप लोग जैसी भी चटनी हुई या रायते के साथ पसंद करें वैसे करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।